हाँ, मैंने बच्चों के परिजनों को ये एडवाइस दी है कि वो प्रत्येक बच्चे को मास्क अवॉइड कराएं, जिससे कि वो बच्चे बीमारियों से बचे और उन्हें अच्छा प्रोग्राम करने का मौका मिले। मास्क इसलिए लगा दिवालियों में जो अन्य प्रकार की ऐसी कई सी चीज़ें फोड़ी गई जिससे हमारे कानपुर में अन्य प्रकार की बीमारियां चल रही, जैसे आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी अन्य चीज़ें हो रही हैं जिससे कि हम लोगों के स्कूल से परमिशन मिली है कि आप लोग मास्क लगा के आएंगे और घर वालों से भी कहा उन लोगों ने दिलवा दिया। ये अभी शिकायत संज्ञान में आई है, इस पर हम आज ही टीम गठित करके, जो समय बताया जा रहा है कि सायंकाल में जलाई जाती हैं, आज ही टीम गठित करके हम वहाँ पर भेज रहे हैं और इसके बाद जो भी कार्रवाई संभव है वो सारी कार्रवाई हम लोग कराएंगे, क्योंकि प्रदूषण जो है पॉलीथीन की प्लास्टिक की थैलियों को जलाने से सर्वाधिक प्रदूषण होता है, तो इस पर नगर निगम गंभीर है और हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, उसको बैन करेंगे। जो लोग भी जला रहे हैं उनको हम लोग पनिश करेंगे, चाहे जुर्माने लगाएंगे और जो भी संगत धाराओं में कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। देखिए, कानपुर की बात नहीं बल्कि किसी भी शहर की यदि आप बात करें और आज के समय में बात करते हैं, तो पोल्यूशन का मेन कारण व्हीकुलर ट्रैफिक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो सभी शहरों पर एक समान ही लागू होते हैं। कानपुर शहर में जो हमारे व्यस्ततम स्थान हैं, जिनको हम चाहे कमर्शियल के रूप में देखें या रेजिडेंशियल के रूप में देखें, मेनली कमर्शियल की ही बात करते हैं, तो उसमें हमारे मानक से 1.5 गुना करीब इनका स्तर है। क्या माना जाए, मतलब किस तरह से इस पर रोक लगाई है, किस तरह से आपको एक इफ़ेक्टिव और प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इज़ द की टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पोल्यूशन। इसके अलावा हमारे यहाँ फुटपाथ्स वगैरह हैं, हमारा एफर्ट और एंडेवर यही होना चाहिए सिविक अथॉरिटीज़ का कि इन पे डस्ट का कलेक्शन ना हो, नियमित वहाँ पर छिड़काव हो पानी का और एमिशन्स को हम लोग कंट्रोल करके रखें।